सर दिल्ली के मुकाबले ये ग्राउंड कितना गुना बड़ा है? मैंने बताया कि दिल्ली में हमने ज्यादा से ज्यादा 400 एकड़ इस्तेमाल की, यहाँ आज पहली बार 600 एकड़ में बैठे। दिव्यांग भक्तों के लिए क्या सुविधा की हुई है? हमने भक्तों के लिए सारी सुविधाएं, हैंडीकैप जो आएंगे श्रद्धालु हैंडीकैप आएंगे, हैंडीकैप के लिए हमेशा हमारा एक अलग से बनता है, हमने कक्ष बनता है, उनको हम वहाँ रखते हैं, बल्कि शत्रु स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको इधर उधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनको दर्शन भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है सर, पार्किंग है और सबको ही समागम पे उतना ही चलना पड़ता है और बिल्कुल करीब में गाड़ियां खड़ी होती हैं। इस 71वें समागम में साहित्य कला संस्कृति से जुड़े हुए क्या प्रोग्राम है? साहित्य कला से हमारे जो जुड़े हुए प्रोग्राम हैं वो आप देख रहे हैं, एग्जीबिशन है, उसके बाद हमारे SACF के प्रोग्राम हैं उनको आप देख सकते हैं, एक्यूप्रेशर है, कायरोथेरेपी वाले अमेरिका से आए हुए हैं वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, पब्लिकेशन स्टॉल है हमारे उनमें सबको पब्लिकेशन मिल रहा है। कवि सम्मेलन हमारा आखिरी दिन अंतिम दिन 3 से 5 बजे तक है और उसमें 30 कवि हमारे जो है मल्टी लैंग्वेज आपको भाषा मिलेगी, आपको देश की हर भाषा में कवि सम्मेलन कवि बोलेंगे। और उसमें क्या वो निरंकारी भक्ति ही है या जनरल है? नहीं, निरंकारी भक्त है, जनरल भी आ सकते हैं लेकिन निरंकारी भक्ति ज्यादातर है और उसी पे वो बोलेंगे। जारी है इसी तरह पानीपत स्टेशन पर एक एक गाड़ी से हजारों उतर रहे हैं और उनके लिए गाड़ियां दे जा रही, बसें दी जा रही हैं और बसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो कुल मिलाकर उधर एयरपोर्ट पर भी तांता लगा हुआ है जो बाहर से आने वाले काम। सर अगर बात करें दिल्ली के मुकाबले इस ग्राउंड की तो ये ग्राउंड में देखिए कल तक 2.5 लाख आ चुके थे, आज हमारा अंदाजा है कि 3.5 लाख। सर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है आज यहाँ पर? व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पहली बार हमें मैदान खुला मिला है, जितना मर्जी हम फैला लें अपने आप को तो हमने फैलाया है। सर सुरक्षा के नजरिए से अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पे सुरक्षा? देखिए सुरक्षा का जैसे आप जानते हैं, आप रोज कवर करते हैं फंक्शन जहाँ 20-25 हज़ार 50 हज़ार की गैदरिंग भी होती है, सिक्योरिटी एंगल आता है। हमारे पिछले समागमों में भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहा है, इस बार भी वही है, पहले दिल्ली सरकार करती थी, आज हरियाणा सरकार कर। हरियाणा सरकार से किस तरह का सहयोग मिला है जी? देखिए ऐसा है कि ये उनका काम है, उन्होंने सुरक्षा कही अपनी जिम्मेदारी है उनकी, वो कितने अफसर लगाएंगे, कितने जवान लगाएंगे, कितने पुलिस वाले लगाएंगे, ट्रैफिक वाले कितने होंगे, वो सब उनका काम है, हम उनको पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं। गुलशन जी आज 71वें संत निरंकारी समागम का आगाज हुआ है समालखा में पहली बार, तो क्या लगता है किस तरह का ये आयोजन रहेगा और भक्तों की संख्या में क्या दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पर इजाफा होगा? देखिए ऐसा अभी आपने कृपा सागर जी से सुना है, हमारा जो समागम है 71वां ये बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा, आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से शांति से हमारे सारे सेवा दल के जवान सारी संगत को पूरा मैनेज कर रहे हैं, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं है और ये ईश्वर की कृपा है, निरंकार की कृपा है, ये बहुत बढ़िया संपन्न है। आज पहले दिन समागम की क्या विशेषता रहेगी यहाँ पर?
हमारे आज के समागम की विशेषता शोभा यात्रा है। आपने देखा है कि हम सतगुर माता जी का स्वागत किया है एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और स्टेज पर लेकर गए हैं और उनको स्टेज पर विराजमान किया है और उनका स्वागत है और उन्होंने आपको मैसेज भी दे दिया है। मीडिया के लिए ये आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट था जो उन्होंने मैसेज दिया है और इसके बाद पूरा सत्संग चलेगा और बहुत बढ़िया से। गुलशन जी, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? हाल ही में देखा गया था कि एक घटना घटी ऐसे सत्संग के अवसर पर, उससे पहले अमृतसर में, तो उस लिहाज से किस तरह की सुरक्षा दृष्टि में बदलाव किए गए हैं या व्यापक इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के इंतजाम हमारे ईश्वर की कृपा से, सरकार के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से बहुत बढ़िया होते हैं और पूरा प्रशासन से हमें सहयोग मिल रहा है और बहुत बढ़िया इंतजाम है। आपने भी देखा है किसी प्रकार की न आने में असुविधा है न जाने में असुविधा है, ट्रैफिक बहुत बढ़िया चल रहा है और सबको पूरा पूरा आनंद ले। दिल्ली में जो भक्त पहुँचे हैं, कई भक्त ऐसे जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए कि उनको वहाँ से यहाँ की जानकारी मिल सके? एक हमारी हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 4318666 और उसमें सबको वैसे भी हेल्प पूरी सेवा वहाँ से आप देख रहे हैं। दिल्ली से जब आओ तो बैनर लगे हुए हैं और यहाँ पर पहुँचते ही 1.5 किलोमीटर पहले हमारी साइड लाइन साइड रोड है, सर्विस रोड पे आ जाते हैं।